we were in the room. I told Karan, this is not happening. You have to do something because you know it's me and the child. And as actors, we are inconsistent. मैंने करण को बोला जब जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माई ज्वेलरी. आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. ही सेड यू नो वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू. सो इन माई फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव. इवन मैंने कहा कि लुक वी जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट? आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना आए और मेरे ऊपर भी भार ना आए. एंड करण हैज़ बीन एक्सट्रीमली बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट. ही सेड अगर मैंने उसको बोला कि हमने घर दे देंगे, कागज को भी हिस्सा दे देंगे बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए थे, उसने कैंपेन में कमाए. जो मैंने करण को मना कि मत करो वो इधर से लाइव म्यूजिक ऑडियो कार्ड रेडी थी नहीं हो पा रहा है, जस्ट रिलीज द थिंग यू नो आई एम विथ यू. फिर मैंने देखा करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना, आप मेरे पास जो मैं आपको हेल्प करूँगी यू नो. सो ऑल माई स्त्रीधन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरी थिंग दैट आई हैव, आई गेट एवरी थिंग एंड आई डेंट बैट एन आई लेट. और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण सॉरी घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. ईएमआईज जो भी हमारे लोन्स हैं जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. हाँ उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहली बार. नो नो दैट वन, या ये पहली बार. I'm not sure if I'm going to show it. सो दीज आर द इमेजेस सामने इधर जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू एंड आई वाज स्टूपिड. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, do you know that girl? Because he has a camera, or madam? This is last night. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो वो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा. बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो. हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच?
जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. And the police came home, and uske baad I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. Karan also revealed that you consulting psychiatrist and you are very aggressive. Yes, aap bipolar hain, aisa bhi kaha unhone. Sabse pehli baat, aap mein se kitne logon ko pata hai bipolarity kya hoti hai? Karan ne kuch kaha, aap ab uska question bana ke mujhe puch rahe ho. I want to know from you what is bipolarity. No, ek ilzam hai. Kaise hai ilzam ko ilzam? तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए, करण का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से यू वर वेरी एग्रेसिव व्हाइल डेटिंग आल्सो यू यूज्ड टू नो थ्रोस. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल? कि उन्होंने, आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी उन्होंने मारा. सी आई विल टेल यू व्हाट दीस आर द थिंग्स दैट हैपेंड. ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट. दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूं. मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंग किया. आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट? दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी. ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर. इट हैपन्स ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रामा एंड इट्स जेनेटिक समटाइम्स. ओके, I was diagnosed with bipolarity. I'm not gonna lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal, jaise wo bol raha hai. Okay, it's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. Okay. I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहले images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ, बट लाइक आई सेड एवरीथिंग आई कांट शो टू ऑल. वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात, कि 2014 सितंबर में आई वॉज 5 months प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड. एंड आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन, यू नो, कम एंड टॉक. क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में. तो जब मैंने बनाया लॉस दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी. आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रामा. व्हेन अ वुमन गोज टू, यू नो, व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट द हस्बैंड इज बीटिंग यू, इज इमोशनली अनअवेलेबल, ही वॉज टोटली डिटैच्ड, यू नो. एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट. हालांकि करण ने मुझे रोका था, ही नेवर लेट मी गो टू द जिम, हर चीज़ में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग. सो आई वेंट टू द डॉक्टर. आई सेड दैट not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today mental health is given so much importance. Jo aaj se shayad 5 saal pehle mujhe koi question puchta to main bolti ha mujhe bhi nahi pata hai, jo ki actually, you know, 2014 mein hi hua hai. And I was detected with a depressive phase of bipolarity, theek hai, and I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine. Ye kab ki baat hai? 2014 ki. Uske baad I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this means. It just Nisha? Hurts me. नहीं. मामा भैया विक्की हूँ. Why are you stressing? Nisha, you're stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है. Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. Nothing to hurt you. You're not here to show your. It just shocks me, na, क्योंकि आदमी कोई कितना fake हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is, because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety, and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody? The 2 months.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन आई लॉस्ट अ चाइल्ड अ वुमन नीड्स थेरेपी व्हेन वुमन नीड्स टू टॉक टू समबडी राइट ही स्टॉप्ड मी आई वांटेड टू वर्क आउट ही स्टॉप्ड मी छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइक आई गॉट हर्ट घर पे अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले एंड आई केप्ट सेइंग मुझे डॉक्टर के पास जाना है मुझे एक्सरे करना है अब आप लोगों को लगेगा अ स्ट्रांग गर्ल लाइक यू व्हाई आर यू टेकिंग परमिशन बिकॉज करण हैड ऑल कंट्रोल मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू वेदर ही वुड पे लोन्स वेदर ही वाज डूइंग वट एवर अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया आई डोंट नो नाउ वट इज द रीजन राइट कि वेदर द रीजन वॉज ही इज गोइंग एंड मीटिंग अनदर पर्सन आई डोंट नो वट इट वॉज सो दीज एंड दो महीने तक आई लिव्ड इन दैट फ्रैक्चर्ड फिंगर इट वॉज अ आई थिंक इट वॉज अ चिप ऑफ अ बोन और समथिंग 2 mm बोन एंड दैट यू कैन कन्फर्म विथ माई डॉक्टर डॉक्टर आशीष जैन हु इज एन ऑर्थोपेडिक and I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. Matlab Karan... 14 डेज करण यहाँ थे काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे वो भी मेरे पूछ पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है ही नोज दैट पापा इज हियर आप उससे बात तो कर लो सो व्हाट एल्स कैन आई से अबाउट दिस काविश इज परफेक्ट ही इज फाइन लास्ट मंथ जब ही बात होती थी कि रिश्तों में थोड़ा सा कटास आ गया है तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता कैसा ना होता कि मेरे मुझे चोट नहीं लगती वो तो कई बार ही होती थी पर तब अगर आप बोलते तो शायद देयर इज नो व्हाई एंड देयर इज नो रीजन व्हाट व्हाई आई डिडंट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम बिकॉज आई सॉ ही हैड एन अफेयर एंड आई वाज नॉट रेडी टू लेट गो बिकॉज आई लव्ड हिम दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली बट यू वर लिविंग विद समवन Yes, I was. And that's why I went through that depressive phase is what I'm trying to say. I was. And my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots to matlab se Rohit hai, Munisha, these are close friends, right? Munisha se I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. Aap logo ke liye ye shocking hai, par mere jo close friends hai, unko pata tha ye ho raha hai. Meri mummy ko nahi pata tha, because obviously aap apni mummy ko hurt nahi karna chahte. Aap sochte ho ki dost to ek baar samajh jayenge, right? Yes, I did not do it. Because I loved him. So there is no reason ki aapne pehle kyun nahi kiya aur aapne ab kyun kiya. Kyunki it's time we are separating. Abhi to aap bilkul hi low pe pahunch gaye ho ki aap separate hote hote bhi aap aise behave kar rahe ho. So I had to, and I have Kavish in my life now. So what about child custody? I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे behave करूँ, क्योंकि अगर आप तो single हो जाओगे, right? After the wife and the child are gone, and I said मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, and you know I can do all these things, and I said, but with a child, a single parent, I will need some basic security for the child. I can't and उसकी लाइफ के हम कितना इकोसिस्टम खराब करेंगे हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट सो ही सेड आई एम टू बिजी आई विल लीव देम लीव हिम विथ माय मम्मी पापा विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली सो आई डोंट नो कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई एंड ऑल्सो ही सेड कि एल्युमिनी का नोट आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो ही इज अर्निंग 1 rupees एंड यू आस्किंग फॉर 3 rupees ही इज लाइंग आई डोंट नो हाउ एल्स टू से दिस ही इज लाइंग He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो कल को मैं नहीं कर रही हूँ ये होता रहता है बट जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं बट जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार